ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट तो है, वो टाइम लेगा, जो भी इश्यूज है वहां पे, मेटाडोर्स हैं, उनका कोई है नहीं ठिकाना, जहां मन किया स्टॉप रख दिए गाड़ी, जहां मन किया ले लिए सवारी या ड्रॉप किए, गाड़ी खुला रहता है, फिर कोई भी डिसिप्लिन है नहीं उनका, यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। मैं बात करता हूँ कुछ फीमेल स्टूडेंट से, उनको ओवरलोडिंग के टाइम में वो लोग भी खड़े रहते हैं। मैं इनको कैटेगरिकली बोला हूँ कि मेरे टाइम में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग हुआ, लड़कियां या लेडीज स्टूडेंट्स हो गए या बाकी लोग हैं, वो लोग कभी भी गाड़ी में खड़े नहीं रहेंगे। मेरे लिए तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन, इज अ मैटाडोर्स ऑटो ड्राइवर्स और जो मैटाडोर ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स, ये जो अपना गुंडागर्दी फैला के रखे वो चलेगा नहीं, नंबर वन। नंबर टू, लेडीज को किसी भी हालत में ये लोग गाड़ी में खड़ा नहीं रखेंगे। अगर मान लो थोड़ा, क्योंकि देखो जो ओवरलोडिंग इश्यू है ना, इट्स ए मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। चार बजे शाम को, चार बजे अगर सारे बंदे घर जा रहे हैं तो उस टाइम डेफिनेटली मेटाडोर स्पेस कम होगा, तो नेचुरली ओवरलोडिंग थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ओवरलोडिंग का मतलब नहीं कि जो जो गदर हुआ है ना वहां पे, नैतखाई है ना, बारामूला, पांदला, डांगी बता इलाके में, मैं देख रहा था वहां पे, हाँ, तो मैं देख रहा था 15 बंदे खड़े हैं लैडर में और ऊपर मिला के, ये चलेगा नहीं सिस्टम। तो बाबा खत्म नहीं किया ना, एक मिनट ना, आप क्या कर रहे हो। तीन, नंबर वन, जो मेटाडोर ड्राइवर्स हैं और ये जो चल रहा है यहाँ 2020 मैच चल रहा है, वो नहीं चलेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो फीमेल पैसेंजर्स हैं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, किसी भी हालत में ये लोग ये नहीं करेंगे, इनको ओवरलोडिंग में खड़ा, वहां लेडीज खड़े नहीं, लेडीज बैठेंगे, नंबर टू। नंबर थ्री, आई विल मेक ट्रैफिक कॉप्स अकाउंटेबल। आपको भी पता है कितना करप्शन था और कितना करप्शन है अभी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैं उठा लूंगा ये, कि मैं मैजिकल वंड है नहीं, लेकिन यस, इंटेग्रिटी समथिंग दैट मैटर्स टू मी, उसके इंटेग्रिटी को लेकर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, पीपल विल हैव टू बिहेव वेल। तो इस तरह और काफी चीजें इश्यूज है, नो पार्किंग एरियाज में ये रखते हैं, रोड बिहेवियर है नहीं, सिविक सेंस है नहीं रोड पे, और हर कोई चाहता है कि अगला ड्राइवर जो अच्छे से बिहेव करेगा, खुद नहीं करेगा बंदा, तो टाइम लगेगा इसमें। मुझे पता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सरकारी गाड़ियों को मैं स्पेसिफिकली टारगेट करता हूँ, क्योंकि सिविलियंस वो देख रहा है कि भाई साहब अगर एसपी की गाड़ी पकड़ा जाएगा, डीसी की गाड़ी पकड़ा जाएगा, तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। और एक बात बता रहा, आप बोल रहे थे ना यूनिफॉर्म के बारे में, अगर मैं मेटाडोर में चढ़ता हूँ ना, आईजी स्टार पहन के ना मेटाडोर में चढ़ेगा, मजा नहीं आएगा। मेरी मम्मी इसके लिए नहीं भेजी थी मुझे कि तुम आईटीएस में जाओ, यूनिफॉर्म में जाओ, बैठ जाओ मेटाडोर में। अगर मैं खुद नहीं गया, अगर मैं जो 25 लाख का बंदा एसयूवी चलाता है, अगर उसको मैंने चालान नहीं किया, मेरा सिपाही भी नहीं करेगा। और जो 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 गुंडागर्दी चलता है ना रोड के ऊपर, उसको ठीक करने के लिए कोई ऑफिसर का प्रेजेंस जरूरी है। मेरे से पहले कितने एसयूवी चालान हुए जम्मू में, वो भी आपको पता है। एक चीज मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूँ, आई वोंट लेट यू डाउन। हिंदुस्तान में वीआईपी कल्चर है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इस कल्चर में मानता नहीं हूँ। जम्मू में मैं क्या किया हूँ, दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल। आई डोंट, मैं अपना ढिंढोरा नहीं पीटूंगा, आपको पता है, आप अपना रिसर्च कर लेना। लेकिन इसमें सिक्योरिटी एंगल है, ठीक है। जम्मू में मेरे टाइम में वीआईपी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एनफोर्समेंट जो है ना, एनफोर्समेंट इज नॉट गिवन। अगर कोई लॉ बनाया गया, कोई रूल बनाया गया, उसका एनफोर्समेंट जो ग्राउंड में होगा ना, देयर इज अ गैप। तो आप ये मत बोलिए कि रेड लिस्ट नहीं है, रेड लिस्ट है, लेकिन टाइम लगेगा। और एक चीज बोल रहा हूं, मेरे पास कोई मैजिक वंड है नहीं कि बंदा आया, बैठ गया ग्राउंड में, बैठ गया तो 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो गया। टाइम लगेगा सर। मतलब रेड लिस्ट की बात करें, रेड लिस्ट है, अगर स्टूडेंट कोई घर से नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं इंडिया जो है, जो मेरा टारगेट ग्रुप है ना, जो रोड यूजर्स है, मैं आपको एग्जाम्पल दिया ना, जो कश्मीर का ड्राइवर फंसा हुआ है कहीं पे, उसके घर में कुछ इमरजेंसी है, लेकिन वन वे है, श्रीनगर से जम्मू वन वे है, हाउ विल ही रीच मी। कहीं ना कहीं तो चाहिए ना ये। और ऐसा नहीं ना सोशल मीडिया में मैं जाके वहां अपना पॉलिटिकल व्यूज या अपना थ्योरी बांट रहा हूं, मैं दे रहा हूं सलमान खान क्या करता है, अमित खान क्या करते हैं, वो तो मैं नहीं बोल रहा ना। सोशल मीडिया में मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो मेरे काम की बात के हैं। अगर कोई 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 बंदा अगर रोड यूजर है और उसको पता है कि मान लीजिए चेन्नई में रोड ब्लॉक हुआ है, अगर वो बंदा अपडेट कर रहा है फेसबुक में, अगर मैं फेसबुक में नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं होगा ना। सर ऊपर से आप खुद चेंज लाएंगे, यू लीव इट टू मी, आई वोंट रिप्लाई। जैटू विदाउट यूनिफॉर्म, आई विल टेल यू व्हाट, आई लुक एट मायसेल्फ एज अ स्मार्ट गाय, यू कैन कोट मी, यू कैन कोट मी ऑन दैट। सो हाउ आई विल बिहेव, हाउ आई विल ऑपरेट, यू लीव इट टू मी। बट
I'm not going to be wearing uniform for a pretty long time. You can put me on that. No, traffic violators ko to ye panga, maine bol deta hu clearly. जो रूल्स हैं उसको मानना पड़ेगा. मैं आपको दे रहा हूं कमिटमेंट कि अगर कोई बंदा 26 लाख का गाड़ी चलाता है और कोई बंदा 8 लाख का गाड़ी चलाता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं मैं पहले 26 लाख वाले को पकड़ूंगा, उसको बाद में पकड़ूंगा. तो आप ये मत सोचिएगा कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो नजरअंदाज करेगा कुछ लोगों को, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर पॉलिटिकली कनेक्टेड, जस्ट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज This is the culture that has been prevailing here. नहीं होगा. Number one. Now, आप मेरे लिए काम मत बढ़ाइए. मेरे लिए जब तक मैं ट्रैफिक में हूं मेरे लिए हॉलीडे का कंसेप्ट है नहीं. स्नो नो स्नो, संडे नो संडे, रेन नो रेन, मेरे लिए एवरी डे इज अ वर्किंग डे. तो मैं चाहता हूं कि अगर मैंने बोल दिया किसी को कि भाई साहब आपको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत है, आप मेरे लिए आप नहीं पहनोगे ना, मेरे लिए काम बढ़ेगा. और मेरे लिए काम बढ़ेगा तो आई मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू. जब पुलिस वाला बोलता है कि मैं ये बता रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ कि आई विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू तो इशारा काफी है. ओरिजिनल जो मान लो मेट्रोडोर्स में जो ओरिजिनल सीटिंग अरेंजमेंट है उसको चेंज करना दिस इज इलीगल, तो हम कार्रवाई करेंगे इसमें.